पान सिंह तोमर की बायोपिक बनाने वाले निर्माता निर्देशक तिग्मांशु धूलिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म के असल पटकथा लेखक आलोक तोमर के साथ एहसान फरामोशी की है। तिग्मांशु पर यह आरोप आलोक के साथ लंबे समय तक रहे अरुण तोमर ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि आलोक तोमर के कहने पर मैं तिग्मांशु धूलिया के साथ कई जगह चंबल के बीहड़ों में और पान सिंह तोमर के गाँव में भ्रमण किया, लेकिन तिग्मांशु धूलिया ने आलोक तोमर की असामयिक मौत के बाद उनके नाम को फिल्म के क्रेडिट लाइन से हटा दिया। तिग्मांशु धूलिया उस समय के बड़े पत्रकार आलोक तोमर के संपर्क में आए तो उन्होंने स्टोरी आइडिया मांगा। आलोक तोमर ने सिस्टम से बगावत कर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट से डकैत बने पान सिंह तोमर की मार्मिक कहानी तिग्मांशु को सुनाई। तिग्मांशु ने तत्काल पान सिंह तोमर पर बायोपिक बनाने का फैसला कर लिया। आग्रह पर आलोक तोमर ने इसकी मूल पटकथा भी तैयार कर दी। इसी कथा और आलोक तोमर की उस वक्त की डायरी के पन्नों से तिग्मांशु ने फिल्म बनाई, जो कहानी की रोचकता और इरफान के अभिनय से सुपर हिट हो गई। अफसोस की बात यह है कि आलोक की मृत्यु हो गई और तिग्मांशु धूलिया ने क्रेडिट लाइन से उनका पत्ता काट दिया। बड़ा सौभाग्य है, दो तरह से मैं कह सकता हूँ। संयोग से पान सिंह तोमर जी हमारे गाँव के निवासी थे। जिस गाँव भिड़ौसा का मैं निवासी हूँ वहीं के वो रहने वाले थे, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनको डाकू कहा गया लेकिन वो डाकू नहीं थे, वो व्यवस्था के प्रति बगावत करके बागी हुए थे। और प्रशासन, उस समय के तात्कालीन प्रशासन ने जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया था, उसकी वजह से उन्हें बागी होना पड़ा था। आलोक तोमर पान सिंह जी की जीवनी से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें, पान सिंह तोमर जब बागी के तौर पर फरार थे तब उनकी दो तीन बार उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जब इनकाउंटर हुआ तो इनकाउंटर में जो सज्जन एसपी विजय रमन इनकाउंटर कर रहे थे वो भी आलोक तोमर के दोस्त थे, तो आलोक तोमर ने लाइव इनकाउंटर अपनी आंखों से देखा था, तो वो बहुत उन चीज़ों से बहुत प्रभावित थे। इसलिए मैं एक बात बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि तिग्मांशु धूलिया जी को कंसेप्ट ही ये पान सिंह तोमर का आलोक तोमर ने दिया था। लेकिन बड़ा खेद है कि हमने जब पिक्चर देखी तो आलोक तोमर का कहीं नाम नहीं था। पूरी स्टोरी जो है डिज़ाइन करके पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है आलोक तोमर ने प्राइमरी लेवल पे दी थी, उसमें ना तो आलोक तोमर का कोई उल्लेख था, एक पत्रकार ग्वालियर के एक पत्रकार का उल्लेख था। आलोक तोमर वो पहले शख्स थे जिन्होंने पान सिंह तोमर का इंटरव्यू स्वदेश में छापा था। आलोक तोमर के नज़दीकी रहे अरुण तोमर ने बताया कि जब आलोक ने तिग्मांशु को मेरे पास भेजकर चंबल के बीहड़ और पान सिंह तोमर के गाँव दिखाने को कहा था, तब मैं जानता भी नहीं था कि मेरे साथ जो घूम रहा है वो तिग्मांशु धूलिया है। और उस वक्त तिग्मांशु ने ही बताया था कि आलोक की कहानी पर वह पान सिंह तोमर पर बायोपिक बना रहे हैं। इसके बावजूद आलोक के असामयिक निधन के बाद तिग्मांशु ने उनके और अंचल के साथ सरासर धोखाधड़ी की। उस फिल्म के बारे में जितना आलोक तोमर ने किया है, जितनी जानकारी आलोक तोमर ने दी थी उतनी कोई दे नहीं सकता। मैं पहला वो व्यक्ति हूँ जिसने आलोक तोमर के साथ इनको ले जाके, तब ये तिग्मांशु धूलिया होंगे मैं जानता तक नहीं था, मैंने गांव विजिट करवाया, मैंने चंबल के बीहड़ और जहाँ जहाँ उनका कार्यक्षेत्र रहा है वहाँ मैंने विजिट करवाया था। मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ उस फिल्म को लेके। उसमें हालांकि कुछ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी गया है, लेकिन वो एक कहानी का, फिल्म का एक अंदाज हो सकता है, अपन मान सकते हैं। लेकिन जो उनने धोखाधड़ी हमारे संभाग के साथ की है वो अक्षम्य है। तिग्मांशु ने आलोक तोमर के पात्र को भी फिल्म में लिया, लेकिन उसे निहायत ही औसत बुद्धि पत्रकार के तौर पर प्रस्तुत किया। अरुण तोमर के मुताबिक आलोक और पान सिंह तोमर के बहुत ही गरिमापूर्ण संबंध रहे थे। पान सिंह के डकैत काल में आलोक ने चार बार उनसे बीहड़ों में मुलाकात की और कई बार शहर में मुलाकात की, यहाँ तक कि पान सिंह और आलोक ने ग्वालियर के सिनेमा घरों में भेष बदलकर साथ साथ फिल्में भी देखी थी। नहीं देखिए, आलोक तोमर जी की बागी पान सिंह तोमर जी से जब भी मुलाकात हुई, वो एकमात्र मुलाकात नहीं थी, उससे पहले उनकी करीबन 4-5 मुलाकातें हुई, कुछ जंगल में हुई, कुछ इसी ग्वालियर शहर में हुई। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब वो बागी थे तब उन्हें फिल्म देखने का भी बड़ा शौक़ था, वो यहाँ बेस बदल के फिल्में देखने भी आते थे। कई सारी ऐसी फिल्में थी जो उन्होंने देखी हैं। आलोक तोमर ने उनके साथ में काफ़ी समय तक वो किया। वो जितने गरिमापूर्ण तरीके से आलोक और पान सिंह तोमर जी के जो है संबंध थे, रिलेशन थे, वो तिग्मांशु धूलिया ने नहीं दिखाया। जो तकलीफ़ का हम सब लोगों का विषय है वो यही है कि कम से कम एक मरहूम पत्रकार के साथ, जिसने तुम्हें ये इतनी बड़ी बायोपिक बनाने का अवसर दिया, उसके साथ तो ईमानदारी से पेश आते और उनके नाम का उल्लेख करते, कम से कम उनके नाम का ही उल्लेख कर देते, तब भी हम लोगों को तसल्ली होती। वो ठीक नहीं था,
और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आलोक की पत्रकारी खोजों और रिपोर्ट्स तिग्मांशु के लिए बेहद मददगार साबित हुई। आज आलोक तोमर हमारे बीच नहीं है, अगर वह होते तो उनके आक्रामक लेखन की धार और पत्रकारी पैठ के चलते क्या तिग्मांशु उनका नाम क्रेडिट लाइन से हटाने और उनके किरदार की गरिमा को गिराने का दुस्साहस कर पाते।